अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्रिस्पी स्नैक्स रेसिपी, चना लहसुन फ्राई। आप ये बनाएं, खाएं और सबको भी खिलाएं। बहुत ही मज़े की टेस्टी रेसिपी है ये। दिखने में देखिए कितने मज़े की लग रही है, खाने में भी और मज़े की होती है। चलिए अब हम ये बनाते हैं। हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। 250 ग्राम हमारे ये छोले हैं। ओवरनाइट हमने सोक कर लिया था, सुबह इसको बॉईल कर लिया था। अब इसमें हम क्या क्या सामान डालना है वो बताते हैं। एक चम्मच शेजवान चटनी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर। नमक आप अपने हिसाब से डालना, क्योंकि इसमें बॉईल करते हुए मैंने नमक डाला था, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। और फूड कलर अपने हिसाब से ले लेना आप। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो चम्मच रेड चिली सॉस, एक चम्मच विनेगर, आधा चम्मच सोया, दो चम्मच चावल का आटा, दो चम्मच कॉर्नफ्लावर, दो चम्मच मैदा। अब ये भी हम मिला लेते हैं। चलिए अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। हाफ नींबू डाल लेंगे हम इसमें। इसको अच्छे से मिलाना है, आप पानी बिल्कुल मत डालिएगा। अच्छे से मिला के दो घंटे तक इसको रख देना आप। अब हमें ये दो घंटे हो चुके हैं रखे हुए, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें अंडा डाल सकते हो, ऑप्शनल है। आप ये डालते टाइम मीडियम फ्लेम पे कर लेना आज। इसी तरीके से आप सारे फ्राई कर लीजिएगा। ये देखिए कितने मज़ेदार बनेगी। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा आप मीडियम स्लो पे। ये हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम लहसुन फ्राई कर लेते हैं। लहसुन को स्लो फ्लेम पे ऊपर नीचे करना है। लहसुन को नीचे बिल्कुल नहीं छोड़ना, नहीं तो लहसुन आपका जल जाएगा। इसको बस एक या दो बार ही नीचे ऊपर नीचे करके बस बन गया। चलिए तो हमारी ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। कितने मज़े की क्रिस्पी बनी है, माशाल्लाह। ज़रूर बोलिएगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी।